हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूँ करण भट्ट और यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार और हार्दिक स्वागत है। गाइस, हम लोग स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 5। और उसका आज हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज डेवलपमेंट। सो गाइज, लेट्स बिगिन विथ इट। सो गाइज, डेवलपमेंट क्या होता है उससे देखने को पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ देख लेते हैं कि वर्ल्ड में ये डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो कैसे अपना जन्म लेता है, राइट? सबसे पहले आपको पता है कि 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरोपियन कंटिनेंट में हुआ था। और स्पेशली अगर देखे जाए तो जो हमारे अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उनमें ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और इसी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये तीनों की तीनों चीज़ें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बढ़ने लगती है, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगती है। मॉडर्नाइजेशन, लोग नई नई तरकीबें, नए नए उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है। और तीसरा है अर्बनाइजेशन, यानी कि धीरे धीरे सिटीज, गाँव में से विलेज में से टाउन्स में से सिटीज बनना शुरू होता है। अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी लग गई, बहुत सारा प्रोडक्शन भी होने लगा, लेकिन उसे बेचा कहाँ पे जाएगा? तो इन लोगों ने बेचने के लिए एशियन और अफ्रीकन मार्केट्स को ढूंढा कि भाई चलो हम लोग सारी चीज़ें बना तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ। तो ऐसे में उन लोगों ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ और एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ को ढूंढा और उसे आइडेंटिफाइड किया जहाँ पे वो लोग होलसेल बेसिस पे गुड्स को बेचा करते थे। और गाइस, यहाँ से ही शुरुआत होती है एक्सप्लोइटेशन की बाय द कॉलोनिस्ट एंड इम्पीरियलिस्ट। इम्पीरियलिज्म हैज स्टार्टेड। आप भी, आपको ये पता ही होगा कि 10th तक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया। तो वो 200 साल शासन करने के पहले अंग्रेज क्या थे? वो तो जस्ट एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यहाँ पे व्यापार करने आई थी, बिजनेस करने आई थी, ठीक है, अपने मार्केट के सर्च में यहाँ पे आई थी। और बाद में जाके वो इंपीरियलिस्ट पावर बनती है, कॉलोनिस्ट पावर बनती है हमारे इंडिया में। तो ये एक आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता था इन सारी चीज़ों को, उसका ब्रीफ आइडिया है। उसके बाद आपको पता है कि आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी कंट्रीज थी जो एशिया, अफ्रीकन एंड लेटिन अमेरिका की जो कि इंडिपेंडेंस हुई है, ठीक है, हमारा इंडिया भी उसमें से एक है। हमें भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था? 1914 से लेकर 1919 तक, ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1934 से लेकर 39 तक। अब गाइज, आपको पता है कि हमें आज़ादी, सॉरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1944 तक। अब हमें पता है कि इंडिया जो है हमारा, उसको आज़ादी कब मिली है? 1947 को, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में। और जो भी कंट्रीज़ को आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिपेंडेंस मिली है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, इन सबको तो देख लिया, लेकिन डेवलपमेंट क्या है उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अब इस डेवलपमेंट को समझने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, यहाँ पे आप पॉइंट देख रहे हो, द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। खाली इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही डेवलपमेंट का कंसेप्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत ही वाइडर और डिफिकल्ट कंसेप्ट है। उसमें आपको एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, बहुत सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, प्योर डेवलपमेंट की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, यानी कि हम लोग, वी आर एट द कोर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, या आपको अगर MCQ या वन मार्कर में पूछा जाए कि भाई हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द कोर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट प्रोसेस के कोर में कौन है, तो कौन है? ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। वेयर ह्यूमन नीड्स, कल्चर, प्राइड एंड एनवायरमेंटल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ सोशल एंड फिजिकल कंटेक्सट आर सींग विद द रेफरेंस टू ह्यूमन रिलेशन। आप देखो कि जहाँ पे ह्यूमन नीड्स, कल्चर, हमारे प्राइड, हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो सोशल और फिजिकल कंटेक्सट में देखे जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ह्यूमंस का डेवलपमेंट होता है। अब देखो, हम सबकी नीड्स है, कौन सी बेसिक नीड है? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों के तीनों आज खत्म हो रही है हमारी। कल्चर, बहुत सारे फेयर है, हमारी धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं जो यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। प्राइड है, हमारा गर्व है, हमारा, जो आप कह लो कि हमारा एक अंदर से एक ऐसी
साइकोलॉजिकल फीलिंग है कि भाई मुझे इस सोसाइटी में रहकर मज़ा आ रहा है, ठीक है। दूसरा फिजिकल कंटेक्स, हम लोग की बॉडी वॉडी अच्छी खासी है, हम लोग एकदम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, आपके मम्मी पापा हम सब, बिकॉज हम सारे के सारे लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो ये एक हमारा डेवलपमेंट हुआ है पिछले कितने ही दशकों से, आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी लाइफ पहले हुआ करती थी, जो हम लोगों ने केव में लाइफ स्पेंड की, उससे बेटर अभी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वे में पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोसेस के सबसे कोर में कौन है, सबसे मेन पार्ट सेंटर में कौन है, ह्यूमंस है, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा जाने अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में, तो इन 1974 वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था जिसपे उन्होंने मेंशन किया था कि जो हमारा पर कैपिटल इनकम है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ इंक्रीज बाय 50%। मतलब कि आप लोगों ने देखा था कि डेवलपिंग कंट्रीज किसको कहा जाता है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुई होती है, जो इंडिपेंडेंट पाई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। और आप देखो ये 1974 का टाइम पीरियड है, अगर हम लोग 1950 से मान को भी चलते हैं तो यहाँ पे आने तक 25 साल कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के 25 साल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो 25 साल में जो भी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली थी, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा कि वो कंट्रीज़ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पर कैपिटा इनकम जो है वो 50% से इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं पे हुआ है, लेकिन ये जो 50% इनकम इंक्रीज़ हुई पर कैपिटा इनकम, वो हर एक देश में हर एक लोगों के बीच में अनइक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। यहाँ पे एक साइड अंबानी भी रहते हैं और दूसरी साइड धारावी भी रहती है, ठीक है, ये वाली बात उन्होंने कही। बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं अर्बन एरियाज़ के जो कि सेमी अनएम्प्लॉयड है, बहुत सारे गांव के फार्मर्स जो है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, दूसरे लेबरर्स हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स तक ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो ऐसा डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 50% इनकम आपकी इंक्रीज तो हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी सामने चैलेंजेस हैं, ठीक है। इन सच अ कंडीशन कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड स्टेट एंड मल्टीनेशनल कंपनीज हु इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज इज यूटिलाइज फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मार्केट सर्विस नॉलेज स्किल डेवलपमेंट स्किल्ड वर्कर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसा कहा कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है, यूएसए है, फिर आपके जर्मनी ले लो, ब्रिटेन ले लो, फ्रांस ले लो, जो कि बहुत पैसेदार है, तो इन लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करनी चाहिए फिनेंशियली टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली, साथ ही साथ आप कह लो कि जो ट्रेनिंग स्किल्स होती है स्किल्स के बेसिस पे भी आप लोगों को इन्हें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा। और इससे क्या होगा, इससे कुछ लेवल तक जो चैलेंजेस है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसे हम लोग क्या कर पाएंगे, उसे हम लोग फेस कर पाएंगे, उसे ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी ये करने के बाद भी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आज बहुत सारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन सेम चीज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, तो उसी की वजह से ये हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी दैट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट मस्ट रीच टू द एंटायर पॉपुलेशन, मतलब कि डेवलपमेंट का बेनिफिट जो है वो हमारी हर एक आबादी तक, जो लास्ट में इंसान खड़ा है ना, अंत्योदय, जो हमारे आपको गवर्नमेंट में बहुत देखने को मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम में कि भाई अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय वो आप बहुत सारे अंत्योदय के रिलेटेड योजनाएं हैं, तो आप उससे समझ सकते हो कि ये जो सारी सिचुएशन हो गई उसमें हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए आज हमें ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ रही है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो सारी सारे के सारे लोगों तक पहुँचे, ठीक है। फॉर दिस पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि किसी भी चीज़ का अंकुश जो है वो किसी एक व्यक्ति के पास ना रह के सारे लोगों में बटा हुआ हो, ठीक है। और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन पहले समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन यानी कि ऐसा एक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारा पैसा किसी एक व्यक्ति के पास या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहता है
स्टोर रहता है, जबकि बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा पैसा रहता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे अगर हमारी जो इनकम है वो अगर 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से समझ लो कि ये जो 90 रुपये है ना, वो सिर्फ दो लोगों के पास है, जबकि बाकी के 10 रुपये जो बचे इस 90 में से, वो है हमारे 98 पीपल के पास। ठीक है, अब समझ लो कि 100 रुपये हमारी नेशनल इनकम है और सामने हमारी पॉपुलेशन भी है 100 की, तो 100 में से 90 रुपये जो है वो सिर्फ दो लोगों के पास है, और जो बाकी के 10 रुपये बचे वो हम लोगों के 98 पीपल्स के पास है। इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन। तो ये ना हो, इसमें हमारे पीपल्स का भी पार्टिसिपेशन, यानी कि हम लोग, हमारा भी पार्टिसिपेशन इसमें अनिवार्य है। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअर, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। अब पीपल की पार्टिसिपेशन अगर नहीं होगी, ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला पाएंगे। और इसी वजह से जो मैंने अभी आपको समझाया, उसको अचीव 101 रुपया एक इंसान के पास होना के लिए हमें जो है वो पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। उसके बाद डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो शुड अकम्पनी एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। डेवलपमेंट आप धड़धड़ मतलब आपके जैसे मन में आए वैसे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपको ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो इसी हमारे एनवायरनमेंट का लाभ उठा सके, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। आप सबको पता है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, वेस्टर्न वर्ल्ड है पूरा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सिस को मतलब मन फाए वैसे तरीकों से यूटिलाइज किया हुआ है, उसे हैपहजार्डली क्या किया हुआ है, वेस्ट किया हुआ है, और उसके बेसिस पे अपना डेवलपमेंट किया हुआ है। लेकिन ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, इससे जो है वो नेचुरल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। आपको पता है अभी क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा इश्यू चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से। ठीक है, अभी आप देखो कि चाइना और इंडिया भी जो है वो डेवलप नेशन बनने जा रहे हैं, लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी पॉल्यूशन को ही आमंत्रण दे रहे हैं, हम भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हैपजार्डली क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके कारण नेचुरल इम्बैलेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। शायद आपको अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे टाइकून्स आने लगे हैं, पहले आप लोगों ने ये सुना नहीं था कि तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। आप देखो, आप हर एक साल में 5 से 6 तूफान तो आ ही जाते हैं इंडिया में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्लाइमेटिक चेंज हुआ है। क्लाइमेट चेंज हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका हैपजार्डली यूज़ किया हुआ। ठीक है, उसके वजह से हमें ये क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत ही गंभीर समस्या से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को डेवलपमेंट का जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुँचाए, ताकि उन्हें भी सब्सक्राइब करने को मोटिवेट करें, ताकि उन्हें भी आगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो वीडियो है वो मिलते रहें। और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।